ये फ्रैंक्स ही हमें लगा के चले गए इन कामों में, आपसी बहसों में लड़ो। हिंदुस्तान में जब आए थे क्रिश्चियन मिशनरीज, ये फ्रैंकिश, इनको पता था, फरंगी जिन्हें हम कहते हैं, ये फ्रांस, याद रखिएगा ये फरंगी क्या होते हैं, ये फरंगी फ्रैंक्स है ना, फ्रैंक, ये एक फ्रांस का पुराना एरिया था जहां पे इनका किंग था शार्ले मेनिये, वो वहां पे रूल करता था, उसकी किंगडम का बड़ा नाम था। तो ये वहां के जो पौधे निकले ना, इनको हम कहते हैं फरंगी, फ्रैंक्स, ये फ्रैंकिश एक जगह थी, फ्रैंक फ्रांस का आप ओल्ड नेम कह लें वगैरह वगैरह, ये उसी इलाके में था जो फ्रांस आज है, और वहां पे बादशाह होता था जिसका नाम था शार्ले मेनिये, ठीक है। तो वहां से ये सारा ये सिलसिला चला, ये फरंगियों का, फिर उन्होंने फ्रांस आगे से कॉलोनिस्ट हो गया, उन्होंने जाहिर है मुख्तलिफ फ्रांस, फ्रेंच, इटालियंस, डच एंड पोर्टुगीज, ये चार ऐसी नेशंस थी जो मुसलसल जो थे ना वॉयजिस करते थे, बहरी सफर करके डिस्कवरीज करते थे खित्तों की, लैंड्स की, और डिस्कवरी करके फिर अपना गन पाउडर लेके, गन पावर लेके वहां जाते थे, वहां जाकर रूल करते थे। यह सारा हुआ था इटालियन रेनेसेंस के बाद, और फिर रेफॉर्मेशन भी होगी, पोप से भी आजादी हासिल होगी, तो लिहाजा वो टोटली जिसका कहते हैं ना जब्बार किस्म के बदबख्त ये कॉलोनिस्ट बन गए थे, इनको डर ही किसी का नहीं था। क्रूसेडर्स थे, उन्होंने पोप की परमिशन से वो कत्लो गारत की, वो तारीख जानती है। ऊपर से सोने पे सुहागा ये कॉलोनिस्ट प्रोटेस्टेंट्स जो थे ज्यादा, जो साथ में बाइबल थम्पर्स और हॉट गॉस्पलर्स अपनी हमेशा गोदी में साथ रखते थे कि जाके इनको कन्वर्ट करो, कहते ना विल यू बी गवर्न बाय द सॉर्ड और बाय पेन, मैं कहते इन्होंने क्या किया, विल यू बी गवर्न बाय द पेन, बाय द सॉर्ड और बाय बाइबल, ये बाइबल जरूर हुआ है, क्योंकि बाइबल लेकर के नहीं मानते, चलो इसको भी मारो फेंको वगैरह वगैरह।